विवेक ओबरॉय, विवेक ओबरॉय का बाप की फैमिली। अच्छा, वो जो उसका कौन है? उसका चाचा बिचा रहेगा, चाचा रहता, चाचा रहते हैं, चाची रहती। अच्छा, तो गाइस ये वाला जो बंगला है, आई मीन फार्म हाउस है, संजय लीला भंसाली का है ये। गाइस हम पी रहे हैं सोडा, चीयर्स मम्मी। तो गाइस अभी हमें खंडाला सनसेट पॉइंट पे देखने आया, मैं ऑटो में बैठी हूँ, बहुत धूप है, मैंने बोला मेरे को नहीं जाना है, तो देखो यहीं से सब दिख ही रहा है। हाय गाइस, सो टुडे इज़ चेकिंग आउट डे एट खंडाला। वी हैव, हमारी ट्रेन है आज रात की लोनावला टू अहमदाबाद, तो आज वापस जा रहे हैं अहमदाबाद। अभी जस्ट चेकआउट किया है एंड अब चेकआउट करके हम थोड़ा सा घूमेंगे लोनावला में, एंड रात की हमारी ट्रेन है, तो अभी तो बस निकल गए हैं चेकआउट करके, अब थोड़ा सा घूम फिर के कुछ लंच वंच करेंगे, देन अगेन कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे और फिर देखते हैं कैसा दिन जाता है। आई जस्ट कीप यू ऑल अपडेटिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो हमने ऑटो बुला लिया है, तो हम अब ऑटो से जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने, और यहाँ पे हम जिस जगह रुके ना, यहाँ पे आजू बाजू खाली संजय लीला भंसाली, ऋतिक रोशन, काजोल की मान, सबका फार्म हाउस है। तो इधर जितने भी फार्म हाउस देख रहे हैं, इधर सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का ही फार्म हाउस है। वो आ गए पापा, ये किसका है? अच्छा, शिव रंजनी में नहीं लेते हैं गोल्ड, जिसका हीरे का। ठीक है चल। तो गाइस ये वाला जो बंगला है, आई मीन फार्म हाउस है, संजय लीला भंसाली का है ये, देखो लिखा है बाहर, अंदर तो नहीं लिखा है। तो ये गेट है, ये लेटर बॉक्स है इसमें। किसका है ये? कोठारी। कोठारी कौन? कोठारी ये कौन है? अच्छा, ये पूरा फार्म हाउस, पूरा पूरा आगे तक है। इधर कोई आता नहीं है क्या? इधर कोई आता नहीं है क्या? इतना गेट पैक वैक करके रखे हैं ये लोग। हवेली बना है। किसका? हवेली बना है। अच्छा, हवेली। ये सुरेश ओबरॉय। कौन? सुरेश ओबरॉय। विवेक ओबरॉय। विवेक ओबरॉय का बाप की फैमिली। अच्छा, वो जो उसका कौन है? उसका चाचा बिचा रहेगा, चाचा रहता, चाचा रहते हैं, चाची रहती। अच्छा, अब सनसेट पॉइंट ले चलो, बस इतने ही लोगों का है यहाँ पे, इतने ही लोगों का है। और अपने लोना वाला का पूरा पॉइंट देखा है, या खंडाला का पॉइंट देखा, वो अर्टिगा गाड़ी था ना, 2200 रुपया लिया पूरा दिन का, सुबह 10 बजे आ गया था, शाम को 6 बजे तक शांत नहीं था, अर्टिगा गाड़ी था। इधर किधर जा रहा है? हाँ चलिए ना, एक बार देख लें। चलो देख ऋतिक रोशन का, यानी उसके बाप का।
फार्म हाउस। अच्छा ये सामने है? अंदर बहुत मस्त बना। अच्छा बुद्ध का मूर्ति है, बहुत बढ़िया। अंदर जाने नहीं देगा ना? नहीं देगा भाई। ये राकेश रोशन का है फार्म हाउस। छोटा गेट से अंदर गार्ड नहीं जाने देता? नहीं, गार्ड अभी अंदर वाले गेट में रहेगा। ये देखो भाई, हम पी रहे हैं सोडा। Cheers. मम्मी भी पी रही है साथ में। मम्मी मेरा पर्स गिरेगा। Cheers guys. बेर मंगाई है मम्मी, बेर खा रही है। कल मंकी पूरा बेर गिरा दिया था। हाँ तो तुमको देना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे क्या पता वो बेर खाता है कि नहीं। मैंने सोचा खाता होगा, यहाँ इतने लोग लेके बैठे हैं तो। कौन सा पॉइंट भैया? सनसेट पॉइंट है। तो गाइस अभी हमें खंडाला सनसेट पॉइंट पे देखने आया है। मैं ऑटो में बैठी हूँ, बहुत धूप है। मैंने बोला मेरे को नहीं जाना है, तो देखो यहीं से सब दिख ही रहा है। अभी देख ले रहा है इसके बाद वाले वीडियो में। और जस्ट सोडा पिया, बियर खाया, यहाँ आ गए, मज़ा आ रहा है। एंड जस्ट एक्सप्लोरिंग द लोकल सिटी एंड इट्स नाइस। बट यहाँ पे मानसून का ही मज़ा है, गर्मियों का नहीं है। बीट गर्मी और बीट विंटर, मानसून इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट लोनावला। ये देखो, इधर देखो, वो देखो बंदर पानी पी रहा है। मम्मी हटो साई, शिल्पा शेट्टी की शादी इसमें हुई थी। गाइस हम लेक पे आए हैं, लेक देखने। ये लेक है लोनावला, खंडाला लेक। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो लोनावला खंडाला लेक है। और अभी हम यहाँ पे आए हैं और बहुत धूप है, मज़ा भी नहीं आ रहा अभी धूप में, लेकिन ठीक है, ओके है। गाइस मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं सिर्फ सो रही थी। हमारा उस होटल से चेकआउट हो चुका था और हमें लोनावला रेलवे स्टेशन के पास आना था। तो पापा ने बोला कि शी इज़ जस्ट स्लीपिंग, नॉट इवन टेकिंग इंटरेस्ट टू रोम अराउंड। तो हम लोग ने रेलवे स्टेशन के पास ही एक होटल कर लिया है। ये देखो ये इधर है। हम लोग ने रेलवे स्टेशन के पास ही होटल कर लिया, रूम ले लिया 4-5 घंटे के लिए, ताकि मैं सो सकूं और मम्मी भी थोड़ा रेस्ट कर सके। और शाम को फिर हम लोग 6:30 स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। भाई बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये देखो दूसरा रूम ले लिया। चलिए भैया, भैया कौन सा है जो खुला हुआ है? थोड़ी देर के लिए हमें चाहिए था, सो वी गॉट दिस। क्लीनिंग चल रही है क्या? हाँ। हो चुकी है कि बाकी है? बाकी है, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट लगेगा, ठीक है। तो गाइस हम अभी स्विमिंग पूल में पैर डाल के बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं बस। अभी मैं बोर हो गई ना, इसलिए ऐसा हो रहा है कि अब घर भागो जल्दी से। वो देखो मम्मी भी पैर डाल के बैठे कि आराम से बैठना, एकदम पहले पीछे होके पहले बैठ जाओ, पहले फिर आगे आओ। वो रही मम्मी, वो रहे पापा। नींद आ रही है, थके हुए। मम्मी कह रही खाली हर जगह सोना रहता है, बहुत थके हुए यार, नींद तो आएगी ना। मेरा तो मूड ही नहीं कर रहा है घूमने का।
गाइस मैं सो के उठ गई थी, बहुत भूख लग रही थी तो आ गई हूँ रेस्टोरेंट में खाने। देखो यहाँ पे खटला डाला हुआ है। भैया रेस्टोरेंट आपका यही है ना? हाँ। मेन्यू भेजिए तो, मेन्यू टेबल पे। यहाँ टेबल पे तो नहीं है, चलो इधर बैठते हैं। ये बढ़िया वाली लग रही है सीट, यहाँ पे अलग अलग टाइप की सीट है, ये वाली सीट पे बैठते हैं। दिस इज़ नाइस। ये देखो बाहर का यहाँ से व्यू, लाइट वाइट कर देंगे। देखो किसका सीट बनाया हुआ है, ड्रम का। अच्छी है, शाम को बहुत प्लेजेंट है जगह, ऐसी जगह बुरी नहीं है, बढ़िया जगह है। स्टेशन बनाया गया है, ऐसे स्टेशन का थीम रख के ये रेस्टोरेंट बनाया गया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। वो देखो ये वाली सीट किससे बनाई है, यू गॉट द आइडिया। मेरे से ज़्यादा स्मार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो पटना पहुंच गए हम लोग NH 30 पे। ये देखो ये देखो रेस्टोरेंट पे ऊपर लिखा है ब्रिंगिंग सम प्यार फ्रॉम यूपी बिहार, नाइस। तो मैंने ऑर्डर दे दिया है, आलू गोभी मटर और दो बटर रोटी और एक वेजिटेबल सूप अभी मैं पी लूँगी। मम्मी पापा आके रेस्टोरेंट में खा के चले गए, वो लोग बोले जाओ यार उठो अब जाके तुम भी खा लो सुबह से। सो रही यार पता नहीं आज मैं बहुत सोई हूँ, इतना ज़्यादा थकान हुई ना, क्योंकि नींद ही नहीं पूरी होती है ना तब कुछ सूझता नहीं है, कुछ मज़ा भी नहीं आता है घूमने में। अब बस आएगा खा लूँगी, भूख बहुत तेज़ लग रही है। गाइस हमारा हॉट एंड सॉर आ गया है, नाउ दिस लुक्स मच 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 बेटर, अब हम पीते हैं। गाइस ये देखो गोभी आलू मटर, भैया चलो दे दो, ड्राई बोला था, ड्राई नहीं करवाए, ड्राई मैम ग्रेवी में थोड़ा जाएगा, ग्रेवी करवा दी, ग्रेवी मैं खाती ही नहीं हूँ, मैंने बोला था गोभी आलू मटर सब डालेंगे उसमें। गाइस ग्रेवी आ गया था, फिर मैंने चेंज करवा के ड्राई कर पाया, फाइनली ड्राई आ गया। तो अब हम खाएंगे अपना ये गोभी आलू मटर विद चपाती। देखो रात में लाइटिंग वाइटिंग जल गई है तो एकदम बढ़िया लग रहा है। म्याँ। म्याँ। ये तुमको कहने आई है टाटा है? कहने आई है रहा हम लोग का सामान। अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, ये देखो व्यू, कल सुबह तक हम लोग पहुंच जाएंगे घर अहमदाबाद। ये देखो ये होटल के पास ही लिया था 4-5 घंटे के लिए रूम, ये वाला। गाइस हम लोग आ गए स्टेशन पे, अब बस बैठेंगे। लो नावला स्टेशन पे मैंने बटर मिल्क लिया, अमूल जैसा बटर मिल्क तो कहीं नहीं मिलता। ये गोविंद का नुलावला में, लो नावला में ये बटर मिल्क छास मिल रहा है, इसका टेस्ट ज़ीरो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो अगर आपको ये गोविंद का छास कभी भी दिखे तो प्लीज़ डोंट बाई इट। अगर आप मराठी हैं तो माइट भी आप यूज़ टू होंगे, बट हम गुजराती लोग बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं है ऐसे टेस्ट से, तो इट्स नॉट वर्थ टू बाय फॉर अस, बर्थ इट नहीं है हमारे लिए। हैविंग गुड डे मम्मी के साथ, गुड डे मीन्स गुड डे विद अ गुड डे बिस्किट, गुड डे खाओ गुड डे कभी खाओ, गुड वन, आई लव गुड डे बिस्किट, गुड डे बिस्किट हमेशा जवानी। ये देखो ये ट्रेन कौन सी लगी है पता नहीं, अभी हमारी भी थोड़ी देर में लगने वाली है ट्रेन। ये देखो मम्मी को। गाइस ये आ गई हमारी ट्रेन, अब हम इसी में बैठेंगे। ये देखो गाइस हम बैठ गए हैं, ट्रेन में।
अब सब सामान सेट कर रहे हैं, अब सामान वामान सेट करके सो जाएंगे। गोकुल आया ले रहे स्टेशन पे, ये तो चालू हो गई। हम लोग आ गए, हम लोग वापस आ गए अहमदाबाद फाइनली। सो आई एम एंडिंग द ब्लॉग हियर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।